नमस्ते, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईक्यू के Z6 लाइट फोन को, जो कि एक 5G फोन है एंड आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटीज इसके अंदर देखने को मिल जाती है। एक मिड रेंज फोन के अंदर जो जो आपको चाहिए उस हिसाब से इसमें सारा कुछ परफेक्ट बैठता है। थोड़ा बहुत होता है मिड रेंज में, बट हाँ, ये आपको एक अच्छा क्वालिटी, अच्छा कैमरा, अच्छा बैटरी सब कुछ दे देता है। एंड इसके अंदर आपको चार्जर शायद अवेलेबल है, वो हम अनबॉक्सिंग के टाइम पे देख लेंगे। एंड अगर बात करें डिजाइन की तो डिजाइन भी अच्छी है, पर हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ ऐसी पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे फ्रंट साइड की अमेजोन की। ये वन डे डिलीवरी का है, ठीक है। तो अगर आपको डिस्काउंट वगैरह के बारे में मैं सारा बताने वाला हूँ, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। एंड यहाँ पे अमेजोन की तरफ से आपको देखने को मिला रेट योर डिलीवरी, आप यहाँ पे जाके डिलीवरी को रेट कर सकते हो। एंड बैक साइड पे आपको बिल देखने को मिल जाता है, बिल इन सेंस की डिटेल्स थोड़े किधर है कहाँ का, वो जो डिलीवरी पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाता है। ऐसी कुछ पैकेजिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए पैकेजिंग को खोलते हैं। ये रहा आईक्यू का बॉक्स, अंदर बिल, तो आप यहाँ पे बिल देख सकते हो। ऐसा कुछ बिल देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको इनवॉइस वैल्यू देखने को मिल जाती है, जो कि 12,999 है। ये ओरिजिनल प्राइस है। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो ICICI का, तो आपको 1,000 रुपीज डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो आपको फोन 12,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड जो एक्चुअल वैल्यू है वो समथिंग 11,000 कुछ है, एंड टैक्स इस पे 1,900 समथिंग का लगता है। तो उस हिसाब से आपको इसकी प्राइस देखने को मिल जाती है। तो इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं आईक्यू का जो बॉक्स है इन्होंने दिया है, एक बहुत ही अच्छा बॉक्स देखने को लग रहा है। तो फोन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजिंग इसकी, बैक साइड पे डिटेल्स है, मेड इन इंडिया। एंड रैम इसके अंदर आपको 6GB 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको आईक्यू Z6 लाइट 5G लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। एंड ऊपर के साइड पे भी यहाँ पे आईक्यू का लोगो एंड सामने लोगो जो है वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। एंड यहाँ पे QR कोड स्कैन करने को आपको मिल जाता है। तो पहले ओपन करते हैं हम इसको, यहाँ पे आपको ओपन करने के लिए देखने को मिल जाता है। इसने अपने को धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, हम कटर से इसको ओपन करते हैं। बैक साइड से ही खोलता हूँ ताकि कुछ स्क्रैचेस वगैरह ना आए। बॉक्स तो बहुत ही अच्छा है, टच करने पे भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आईक्यू का जो लोगो है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड मेन चीज इसकी जो इन्होंने बॉक्स दिया है उसका डिजाइन भी अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो चलिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाता है आईक्यू का लोगो के साथ की डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आप प्लीज एक्सेप्ट ना करें, दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। तो इसको भी कटर से काटते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं बॉक्स को। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है अंदर। सबसे पहले आपको फोन देखने को मिल जाता है, फोन को रखते हैं साइड में, उसके बाद अंदर देखते हैं ये डिजाइन फोन का। एंड ये कवर ये निकालने, अंदर आपको IMEI नंबर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, इसको हटाते हैं। ऐसा कुछ बॉक्स के अंदर आपको फोन देखने को मिलता है।
यहाँ पे आपको बैक केस देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छा बैक केस इन्होंने दे रखा है। प्लास्टिक पैन यहाँ पे कैमरा के लिए आपको स्पॉट देखने को मिल जाता है। ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है इसके अंदर। आपको थोड़े डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाते हैं। वारंटी कार्ड बोल सकते हैं आईकू का, उसके ऊपर लोगो, एंड इसको साइड में रखते हैं हम, बाद में सारा आप पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ ज़रूरत लगी। अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप वीवो का लोगो देखोगे, क्योंकि जो आईकू है वो वीवो का सब ब्रांड है, तो आपको वीवो की तरफ से थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को इसकी में मिल जाती है। चार्जर जैसे कि आपको वीवो का देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे केबल देखने को मिल जाता है। बॉक्स की डिज़ाइन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एंड आपको सिम इजेक्ट टूल देखने को मिल जाता है यहाँ पे। आगे इन सबको साइड में रखते हैं और बात करते हैं हम अपने फ़ोन के बारे में। फ़ोन ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है इस एक कवर के अंदर। यहाँ पे आप फ़ोन देख सकते हो, इसका बैक का डिज़ाइन देख सकते हो, एक खतरनाक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। आपको मैं इसका डे का भी लुक दिखाने वाला हूँ, अभी तो नाइट है तो उतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ यहाँ पे कैमरा में भले ना दिख रहा हो, पर यहाँ पे जो इसका बैक है ना वो चमकता हुआ दिख रहा है पूरा। ऐसा आप अगर टच करते हो तो आपको एक अच्छा फील देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टाइप दिया हुआ है ब्लू कलर का, तो वो भी एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर देता है। दो कैमरा एंड फ्लैश देखने को इसके ऊपर आपको मिल जाता है। आपको एक स्लिम फोन देखने को मिल जाता है यहाँ पे, एंड चार्जिंग पॉइंट एंड ईयरफोन पॉइंट एंड एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। हम साउंड वगैरह सब चेक करेंगे, एंड अगले साइड पे आपको माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, एंड वैल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिल जाता है। ऊपर के साइड पे आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाता है। आप इसके अंदर या तो एक टाइम पे दो सिम कार्ड यूज कर सकते हो, या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। तो चलिए ऑन करते हैं फोन को। आईक्यू 5G आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है जब ऑन करते हैं, ब्रांड का नाम, एंड पावर्ड बाय एंड्रॉइड एज यूजुअल। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, एंड जो इसका तरीका है ऑन होने का वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं फोन के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। अभी हम ऑफलाइन सेटअप करते हैं, ऑनलाइन का बाद में देखेंगे, पहले हम क्वालिटीज वगैरह चेक करते हैं बस। आज की डेट है अपनी 30 जैन, टाइम अभी करेंट में हो रहा है 9:15, 9:15 हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम सेटअप कर लेते हैं यहीं पे, एंड आपको अगर चाहिए तो आप बाद में सेटअप कर सकते हो। गूगल सर्विसेज एक्सेप्ट बैक 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 यूज लोकेशन ऑफ स्क्रीन लॉक फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो आप अगर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। अगर आप फिंगरप्रिंट डालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पिन डालना ही पड़ेगा, तो मैं एक नॉर्मल अपना 1234 डाल देता हूँ। वापस 1234 कन्फर्म। अभी यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है तो स्टार्ट करते, एग्री कर देना आपको। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गया है। आगे वेदर वगैरह का आप देख सकते, स्मार्ट अपग्रेड, पर्सनल रिकमेंडेशन, तो आपको ये ऑफ कर देना है पहले। कुछ चीज़ें होती जो आपको ऑफ कर देनी है, कुछ चीज़ें ऑन रखनी है आपके हिसाब से, स्टार्टिंग में ही आते हैं क्योंकि बाद में आप सेटिंग्स में ढूंढोगे शायद आपको प्रॉब्लम हो ढूंढने में, तो पहले ही आपको इसको बंद कर देना है।
तो यहाँ पे जो आपका लॉक स्क्रीन पोस्टर देखने को मिलता है इसके अंदर, तो आपको वो ऑफ कर देना, क्योंकि आपको बार बार जो होता है ग्लैंस देखने को मिलेगा आपको लॉक स्क्रीन पे, तो वो बंद कर देना है क्योंकि वो बैटरी कंज्यूम करता है। चार्जिंग थोड़ा कम है इसके अंदर बट ठीक है। एंड आपको कैसा पसंद है, कि 3 बटन वाला, कि यहाँ पे क्लिक करूँ फिर मेरा फ़ोन वो बैक हो या जो भी हो, या गेस्चर वाला नेविगेशन, तो आपको ऐसे यहाँ साइड से एंड यहाँ से ऊपर करने पे आपको ये सब देखने को मिल जाता है। एंड 3 बटन वाले पे यहाँ पे नीचे 3ों बटन आते हैं, जैसे यहाँ पे 1 बटन देखने को मिल रहा है वैसे 3ों बटन नीचे आते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गेस्चर वाला। यहाँ पे आपको फ्रंट टच ओएस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस योर फोन इज रेडी टू गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इसके अंदर ब्लोटवेयर कैसे है, मतलब ज़्यादा है या थोड़े कम है, वो सब पहले चेक करेंगे। यहाँ पे आपको अमेजोन देखने को मिल जाता है, डेली हंट न्यूज़ के लिए है, तो आई डोंट थिंक इजी शेयर क्या है क्या मालूम, कुछ भी ऐप गेम स्पेस आइको का ठीक है, पर नेटफ्लिक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, स्नैपचैट पब्लिक, फोन पे, तो आप इनको डिलीट कर सकते हो, स्पॉटिफाई वगैरह आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो हम जैसे कि अगर यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना चाहें तो सबसे पहले तो मैं ये गेम स्पेस अनइंस्टॉल कर, गेम स्पेस आई थिंक कंपनी की तरफ से गिवेन है, एंड आईकू क्लाउड ये भी कंपनी की तरफ से गिवेन है, लिंक्डइन ये तो नहीं चाहिए, अनइंस्टॉल ऐप देखते हैं, ऐसा कुछ साउंड आपको देखने को मिलेगा बाकी। एंड मेन पेज पे आपको नेटफ्लिक्स फ़ोनपे फेसबुक, फेसबुक नहीं चाहिए तो आप ये भी डिलीट कर सकते हो। बहुत स्मूथली ऑपरेट हो जाता है ये। अभी तो ये बहुत स्मूथ चल रहा है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है, मॉन्स्टर मोड, आईकू शेयर देखने को मिल जाता है आपको ऊपर की साइड पे। एंड ब्राइटनेस की बात करें तो एक अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, आपके यूज़ के ऊपर है कि आपको कितना ब्राइटनेस चाहिए, एक अच्छा ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। मे बी यहाँ पे आपको उतना अच्छा ना लग रहा हो क्योंकि जो कैमरा है वो उतना कैप्चर ना कर पा रहा हो, बट जब आप लोगे ये तो आपको अच्छा लगेगा देखने में इन एक्चुअल। तो हम ऐप्स वगैरह ओपन करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कितना स्मूथली वर्क कर रहा है कितना नहीं, अभी तो जल्दी जल्दी खुल रहे हैं सारे। और कैमरा की बात करें तो कैमरा आपको एक अच्छा कैमरा, तो यहाँ पे अगर फोटोज़ की बात करूँ तो ये अच्छा अच्छा फोटोज़ क्लिक करके आपको दे देती है, ठीक है। आपको मैं सारे फोटोज़ दिखाने वाला हूँ, एंड जूम पे भी एक अच्छा जूम आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं अगर क्लियर देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको 8x तक जूम देखने को मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हो 8x जूम। ओके एंड वीडियो क्वालिटी रेजोल्यूशन की बात अगर हम करें, यहाँ पे 1080p एंड 720p रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। फ्रेम रेट में आपको 30 FPS और 60 FPS देखने को मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, स्टाइल ब्यूटी ये जो आप फिक्स करना चाहो, जैसा अलग अलग आपको फिल्टर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जैसे कि बहुत सारे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो फोटो खींचते टाइम, लाइट इफेक्ट वगैरह जो भी है। मैं आपको सारी फोटोज़ मीन्स बाहर क्लिक करने पे मैं आपको दिखाने वाला, अभी तो नाइट है बट नाइट मोड में भी मैं आपको फोटोज़ दिखाने वाला हूँ, तो मैं अभी बाहर जाऊँगा तो आपको नाइट मोड की फोटोज़ भी मैं दिखा दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो नाइट मोड की, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो अगर आपको दिख रही है, फोटो अगर आपको दिख रही थी यहाँ पे आपको क्लियर फोटो देखने को मिल जाती है, कहीं पे भी आपको ब्लर देखने को नहीं मिलता है। एंड ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड यहाँ पे हम थोड़ा अब माइक्रो को भी टेस्ट करेंगे, माइक्रो 2 MP का है पर थोड़ा ठीक है, अच्छे फोटोज आपको क्लिक करके दे देता है। एक इन्होंने एक अच्छा कैमरा रखा है एंड एक थोड़ा खराब नहीं बोल सकते, पर हाँ
2 MP मतलब थोड़ा लो क्वालिटी का कैमरा इन्होंने रख दिया, अच्छा कैमरा ये दे सकते थे साथ में। सेल्फी की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड में आपको ऐसी थोड़ी बहुत शायद लैग मारती है क्या, पर देखते हैं। सेल्फी कैमरा के टाइम पे थोड़ा लैग मार रही है मेरे को ऐसा लग रहा है, वीडियोस में देखते हैं, वीडियो ठीक है पर हाँ क्वालिटी थोड़ी खराब है वीडियो की। यहाँ पे सेल्फी कैमरा उतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है, प्रो मोड आपको देखने को मिल जाता है, स्लो मोशन देखने को मिल जाता है, पैनोरामा देखने को मिल जाता है एंड 50 MP का जो कैमरा है वो देखते हैं। 50 MP मीन्स आपको जो बैक कैमरा है उससे आपको बहुत अच्छी फोटोज़ देखने को मिल जाती है एंड वीडियोज़, बट फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है, जो कि आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है इसके अंदर। एंड बात करें इतने सारे मैंने ऐप्स खोल के रखे, तो अभी जो मैंने सबसे पहले खोला था स्पॉटिफाई यहीं पे था एंड थोड़ा हल्का सा टाइम लग रहा है बट देखते हैं। आपको अगर रैम चाहिए एक्सटेंडेड रैम आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, 6 GB ऑलरेडी इसमें रैम है, 6 128 GB का वेरिएंट है ये तो, एंड आपको 6 GB का और एक्सटेंडेड रैम देखने को मिल जाता है। एंड जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 2.0 GHz इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एंड एंड्रॉयड 12 का वर्जन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ आपको फन टच OS 12 देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको गेम खेल के बताने भी वाला हूँ कैसा है कैसा नहीं। सो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि इसके अंदर मैंने आपको एंड्रॉयड 12 का वर्जन दिखाया था एंड फन टच OS जो था वो भी 12 का था। अभी मैं आपको एंड्रॉयड 13 का भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अपडेट आ चुका है, 4 something GB का अपडेट था जो कि मैंने मारा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फन टच OS 13 एंड नीचे के साइड आप देख सकते हो एंड्रॉयड 13। ओके तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये एंड्रॉयड 13 आप देख सकते हो इसके अंदर अवेलेबल है एंड थोड़े ही दिनों में मे बी आपको एंड्रॉयड 14 भी देखने को मिल जाए, मे बी मई जून तक आपको एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाएगा। अगर आप आईकू के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर जाओगे, वहां पे एक उन्होंने दे रखा है कि कौन से फोन में कब एंड्रॉयड 14 लॉन्च हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली एंड्रॉयड 12 नहीं एंड्रॉयड 13 देखने को इसके अंदर मिलेगा, तुरंत आप अपडेट मार सकते हो। अगर आपका सिम जियो या एयरटेल का है तो उसके लिए आप 5G कनेक्टिविटी के लिए जा सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर के साइड आपको मेरा सिम एयरटेल का है तो यहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है मोबाइल डाटा के लिए एंड जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोल सकते बट अनलिमिटेड डेटा आप यूज कर सकते हो। तो 5G कनेक्टिविटी चालू करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको एयरटेल का या जियो का सिम होना चाहिए, एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाना है, डाउनलोड करना है उसको एंड जाना है उस पर, वहाँ पे आपको दिखेगा अनलिमिटेड 5G डाटा लिमिट एंड क्लेम करके ऑप्शन होगा, तो वो क्लेम करना है आपको, नंबर वगैरह जो भी मांगेगा देना है, रजिस्टर करना है एंड वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अनलिमिटेड डाटा और फास्ट डेटा आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। एंड आगे बात करें जो इसके अंदर गेस्टर्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं, स्मूथली एप्स भी स्मूथली वर्क कर रहे हैं, जैसे ये अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हो रही। नेटफ्लिक्स अमेजोन वगैरह पहले से आपको दिया हुआ है एंड ये जो ब्लोटवेयर्स वगैरह हैं इसके अंदर उनको आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो एंड थोड़े बहुत है जो डिलीट नहीं हो सकते, बट हाँ जो डिलीट कर सकते हो स्टोरेज फ्री अप करने के लिए आप कर सकते हो। अगर बताओ आपको तो जैसे कि मैंने बोला कि 6 GB प्लस 6 GB आपको इसके अंदर रैम देखने को मिल जाता है एंड 128 GB का स्टोरेज, तो आपको ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जब जितना चाहे उतना फोटोज उतने ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर। एंड जो गेम की बात करूँ तो गेम भी बहुत ही स्मूथली चल जाता है इसके अंदर, जैसे कि मैं अगर BGMI की बात करूँ तो आप स्मूथली खेल सकते हो इसके अंदर। ये मीन्स इसके अंदर आप अगर ऊपर जाते हो एंड यहाँ से अगर आप गेम मोड अल्ट्रा गेम मोड गिवन है इसमें वो ऑन करना है, मॉन्स्टर मोड ऑन कर लेना है गेमिंग के टाइम पे आपको, एंड यहाँ से जब ये करोगे तो अभी आप देख सकते हो कनेक्टिविटी के हिसाब से 1.34 GHz एंड 266 MHz देखने को आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे 3 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, बैटरी सेवर मोड, बैलेंस मोड एंड मॉन्स्टर मोड। 4D गेम वाइब्रेशन अगर आपको चाहिए
तो यहाँ से आप क्लिक करने से आपको वो मिल जाता है, ई स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है। जैसे आपको रिजेक्ट करना है कॉल्स वगैरह, गेम खेल रहे हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉक नोटिफिकेशंस वो कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह, रिकॉर्ड स्क्रीन, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो अगर आगे बात करें तो गेम से हटके गेम आप स्मूथली खेल सकते हो इसके अंदर। जैसे कि आपको मैं पूरा इसका जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि हाँ इसमें कैसा गेम प्ले है। ऐसा खेलने पे मीन्स आपको मे बी लगे कि गेम प्ले अच्छा है बुरा है जो भी है, तो अगर आपको ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर रहा तो उसमें लैग वगैरह जो भी है वो देखने को मिल जाता है। बट इसके अंदर आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, एंड क्योंकि HD पे ही ये चलता है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा सकता, ये नॉट अवेलेबल बताता है, तो वो एक है इसके अंदर दिक्कत। पर ठीक है, एक अच्छा क्वालिटी आपको इसमें मिल जाता है देखने को। गेम खेलने के बाद आपको अल्ट्रा मोड एंड मॉन्स्टर मोड बंद कर देना है क्योंकि आपकी बैटरी जो है वो बहुत तेज़ी से ये खींचते, क्योंकि आपको गेमिंग स्मूथ देना रहता है तो इनको बैटरी ज़्यादा लगती है। आपको इसके अंदर 1080p का वीडियो रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है हाईएस्ट, क्योंकि उससे ज़्यादा वीडियो रिजोल्यूशन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिल जाता, एंड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्क्रीन भी बहुत बड़ी है इसकी, चौड़ी भी है, तो आपको जो विड्थ है स्क्रीन की वो भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड अगर मोस्ट प्रोबेबली बात करूँ ना तो आपको इसमें सिर्फ जो नाइट मोड है कैमरा का उसके अंदर दिक्कत आता है, एंड जो नाइट में फोटोज वीडियोस निकालते हो उसके अंदर दिक्कत आता है। तो ये जो आप फोटोज देख सकते हो वीडियोस देख सकते हो वो थोड़ा नाइट मोड का है, एंड डे मोड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डे मोड वाले में तो आपको एक क्लियर देखने को मिल जाता है, अभी डे का टाइम है और अभी जो था मतलब जो थोड़ी देर पहले आप वीडियो देख रहे थे वो नाइट में मैंने बनाया हुआ था। सो सीन ये था कि मेरे को आपको एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना था कि इसके साथ ये फ़ोन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा 2-4 दिन का, तो वो भी था। तो आपको मैं अभी की फ़ोटोज दिखा देता हूँ। ये कुछ पिक्चर्स है जो आपको मीन्स नाइट मोड और डे टाइम की भी मैंने दिखा दी है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। 8MP का कैमरा एंड 50MP का कैमरा जो बैक कैमरा है, बैक कैमरा मेरे को ठीक लगा, बट फ्रंट कैमरा प्राइस के हिसाब से ठीक है, बट एक्चुअल में जब आप लेने जाते हो कैमरा को तब उतना अच्छा नहीं वर्क करता है। इसके अंदर आप जैसे ऐप्स वगैरह को ओपन करते हो तो मल्टीपल टाइम्स ओपन करो कोई दिक्कत नहीं होता, एंड्रॉयड की तरह ही मतलब जैसे कि वो थोड़े टाइम लेता है, एंड जो थोड़े टाइम बाद अगर आप ओपन करते हो तो स्टार्ट से ओपन होता है, तो वैसा ही इसके भी अंदर है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, एंड अगर बात करें बैटरी की तो बैटरी भी एक अच्छी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे में आपका फ़ोन चार्ज करके रख देता है, एंड अभी तो फास्ट चार्ज हो रहा है, जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 घंटे नहीं लग रहे इसको, 2 घंटे के आसपास में चार्ज हो जा रहा है, एंड स्मूथली वर्क भी कर रहा है। 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि एक फोन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, 120Hz इस रेंज में बहुत अच्छा है। बाकी सारा कुछ इसके अंदर ठीक है, एक अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इस बजट में। अगर आप डिस्काउंट पे ले रहे हो तो आपको 12,000 के अंदर मिल जाता है, एंड साथ ही अगर बात करें ना तो आपको जब आप अमेजोन से खरीद रहे हो, मैंने देखा कि प्राइस डिफरेंस है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, 1,000 से 2,000 का फर्क आपको देखने को मिल जाता है। तो आई प्रेफर कि अमेजोन से खरीदो, एंड वहाँ पे आपको प्राइम वीडियो का जो है सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाता है, 29 डेज 28 डेज का समथिंग, वहाँ पे आप लेते हो तो आपको थोड़ा 299 का उनका कुछ सब्सक्रिप्शन आता है अमेजोन प्राइम का, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप अगर अमेजोन से लेने जा रहे हो तो ज्यादा बेटर आपको पड़ेगा। ICICI कार्ड का यूज करना ना भूले। लगभग इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसके अंदर की दे दी है, अगर मेरे को लगता है कुछ बाकी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप मीन्स इसके लिए जा रहे हो तो आपको एक अच्छा प्राइस रेंज देखने को मिल जाता है, अगर आप अंडर 15,000 देख रहे हो तो IQ G6 Lite आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, इन टर्म्स ऑफ डेली यूज, आपको ये परफेक्ट पड़ जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी और वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। मजा आ रहा है इसको यूज करने में, इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो।